चलिए बाबा एक नेक्स्ट चार्ट जो है वो है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एट सी एफ लेवल लेकिन फिर भी क्विकली पांच मिनट में कर लेते हैं हु इज जीएसटी प्रैक्टिसनर के लिए एक जीएसटी प्रैक्टिसनर के लिए एलिजिबल होता है इंडियन सिटीजन अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो आप जीएसटी प्रैक्टिसनर के लिए एलिजिबल हो साउंड माइंडेड हो प्लस आप एक्जैक्ट इंसॉल्वेंट नहीं हो प्लस आप Convicted नहीं हो बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट तो सर ये बेसिक क्वालिफिकेशन तो होना जरूरी है इंडियन सिटीजन साउंड माइंड नॉट एक्ट इंसॉल्वेंट एंड नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर ये हो गया तो क्या मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर सकता हूं नहीं बाबा फिर बोल रहे हैं कि कुछ तजुर्बा दिखाइए कुछ क्वालिफिकेशन दिखाइए कुछ तो आपके पास होना चाहिए तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो ए बी या सी में से तो भी आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने लायक सर oh, आप हो रिटायर्ड कमर्शियल रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआईसी जहां आपने सर्व किया है एज ए गैजेटेड बी ऑफिसर फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू इयर्स सर आपने एनरोल किया था एस सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स रिटर्न प्रिपेर

क्या ये आपने ये एग्जाम्स पास किए हैं आप एक ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है यूनिवर्सिटी सर अगर ये नहीं, नहीं किया है तो क्या आपके पास एक डिग्री है फॉरन यूनिवर्सिटी से जो रेकोग्नाइज इन इंडिया बाई एन रेकोग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी एज ए डिग्री इक्विबलेंट है तो सर वो भी चलेगा अगर आप एनी अदर एग्जामिनेशन जो नोटिफाई किया है ने by recommendation of council, वो पास करते हो तो भी आप लायक हो या फिर आपने पास किया है Final का आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनका जो सीए फाइनल फाइनल बेसिकली अगर आपने पास किया है या आपने सी फाइनल पास कर लिया है तो भी आपके पास एनअ क्वालिफिकेशन है यू कैन एनरोल योर सेल्फ एज ए जीएसटी प्रैक्टिसनर सर फायदा क्या है अगर आपने जीएसटी प्रैक्टिसनर एनरोल किया है तो बेनिफिट है कि आपका नाम अपियर होगा जीएसटी पोर्टल में अब लोग आपको ढूंढ सकते हैं पोर्टल में और आप रिलायबल बंदे बन गए हो यस सर पॉइंट क्लियर है सर अप्लाई कैसे करना है बेटा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है कि कौन कौन एलिजिबल होता है उसके बाद मैंने बोला अगर आप एलिजिबल हो तो बेटा अप्लाई कर दो पीसीडी जीरो वन में कहा अप्लाई करो कॉमन पोर्टल पे अप्लाई करना उसके बाद वेरिफिकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के बाद या तो एनरोलमेंट दे देगा या आपको एनरोलमेंट जब देगा तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देगा एनरोलमेंट इज वैलिड लाइफ टाइम अनलेस कैंसल्ड बाय द ऑफिसर या सर रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रीजन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड ठीक है सर उसके बाद बेटा आप एक बार एनरोल हो गए अब लोग आपको ऑथराइज करेंगे पीपल आर गोइंग टू ऑथराइज यू टू गो एड एंड डू सर्टेन सर्टेन वर्क सर मैं कौन से कौन से काम कर सकता हूं लोगों के लिए रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑथराइज और विथड्रॉ द ऑथराइजेशन इन फॉर्म जीएसटी पीसीटी 05 सर अगर लोग मेरे को ऑथराइज करेंगे तो मैं लोगों के लिए क्या-क्या काम कर सकता हूं फंक्शन ऑफ ए जी एस टी प्रैक्टिशनर अगेन इसको पढ़ के जाइएगा छोड़ के मत जाइएगा सर ही कैन फर्निसन मंथली एनुअल और फॉर क्रेडिट इन टू कैश लेजर ही कैन फाइल ए रिफंड क्लेम ही कैन गो हेड एंड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ही कैन गो हेट एंड फर्निस इंफॉर्मेशन इन दिल्ली और सर और वो जॉब वर्क का चालान भी फर्निश कर सकता है और सर ही कैन फाइल एन अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर सेक्शन नंबर अंडर रूल नंबर 58 जो वेयर हाउस कीपर्स को बोला था एनरोलमेंट लेना पड़ेगा उसका अमेंडमेंट और कैंसिलेशन भी कौन कर सकता है जीएसटी प्रैक्टिसनर ही कैन ऑल्सो फाइल ए इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन और विद्रोवल फ्रॉम सीएमपी एम जीरो टू और सीएमपी पी जीरो टू भी जीरो फोर भी वो फाइल कर सकता है यस yes, सर मैंने एक शॉर्टकट बताया था आर ई ई जे सी टी एस ये फंक्शंस होते हैं। आर फॉर सर रिफंड एप्लीकेशन आपके पे लगा सकता है जीएसटी प्रैक्टिशनर सर ई फॉर ई वे बिल का डिटेल्स फर्निश कर सकता है जे फॉर जॉब वर्क चलान फर्निश कर सकता है यस yes, सर उसके बाद मैंने बोला है ई फॉर ई फॉर सर ई सर कैश e में अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है सी फॉर सर सी क्या होता है के के लिए लिए या दोनों कर सकता है टी क्या होता है टी होता है ओके सर टी क्या होता है टी फॉर टैक्स डिपॉजिट होता है यस एस फॉर सप्लाईज का डिटेल होता है तो हमने कौन सा मिस कर दिया सर हमने मिस कर दिया

शोकोस so, नोटिस आएगा उसके बाद वो रिप्रेजेंटेशन देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा उसके बाद एक ऑर्डर ये बाबा थर्टी मंथ्स है ठीक है एग्जामिनेशन पास करना है थर्टी मंथ्स में ठीक है बाबा रुतांग, रुतांग बोल रहा है सर थर्टी मंथ्स, ठीक है बाबा रुतांग, थर्टी मंथ्स में एग्जाम पास करना पड़ता है उसके बाद आपने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है तो बोला है शोकोज नोटिस इश्यू होगा रिप्रेजेंटेशन ली जाएंगी उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा इन जीएसटी पीसीटी सी जीरो फोर सर मेरे को ही नहीं रहना जीएसटी प्रैक्टिसनर तो बेटा आप भी सरेंडर कर सकते हो अप्लाई कर दीजिएगा पीसीटी जीरो सिक्स में ऑर्डर आ जाएगा पीसीटी जीरो सेवन में सर फाइनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पांच मिनट का रिवीजन कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है राइट एवरीवन हियर वी आर डन विद जीएसटी प्रैक्टिस नाउ